हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। मैं राज ठाकुर लेके आया हूँ आज। जैसे कि कनेक्शंस ख़त्म हो गए थे और टेंशन मेंबर स्टार्ट करते हैं। टेंशन मेंबर क्या है? ऐसे मेंबर जिनका यूज स्ट्रक्चर में टेंशन को लेने के लिए किया जाता है, टेंशन मेंबर कहलाते हैं। टेंशन लोड कैसा होता है आप इस ये भी देख लीजिएगा। मान लीजिए ये कोई मेंबर है हमारा, इधर से लोड लग रहा है, इधर से लोड लग रहा है, मान लीजिए इधर से लोड लग रहा है, ठीक है। तो जो इसमें जनरेट होगा, जो टेंशन जनरेट होगा, जो मतलब मेंबर में जो स्ट्रक्चर में जो जनरेट होगा उसे कहेंगे टेंशन, ठीक है। जैसे वायर एंड केबल, बार एंड रॉड्स, प्लेट, प्लेट टाइबर, ठीक है। क्या मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर? अलग अलग स्ट्रक्चर मेंबर्स के लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि तन्यता अनुपात, ठीक। देखिए पहला, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सेस्मिक लोड फोर्स यानी कि अर्थक्वेक फोर्स, सेस्मिक मतलब अर्थक्वेक, ठीक है। कितना होगा? 180। सेकंड, ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस और अ ब्रेसिंग सिस्टम नॉट कंसीडर इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू पॉसिबल ऑफ रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस इन टू कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्स 350। इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशन मेंबर, एक्सियल टेंशन मेंबर हो, प्री टेंशन है तो कितना आता है? 400, ठीक। अब देखिए इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंशन विद रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस जिसपे मतलब सीधी सी ये समझ रहे थे, ऐसा मेंबर जिस पर विंड और अर्थक्वेक लोड के कारण, ठीक है, स्ट्रेस आ रहा हो, डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा हो विंड और सेस्मिक लोड के कारण, उसमें जो तन्यता अनुपात लेते हैं वो 180, ठीक है। नॉर्मल एक्टिंग टाई हो या रूफ ट्रसेस हो या और ये ब्रेसिंग सिस्टम हो नॉट कंसीडर इफेक्टिव व्हेन सब्जेक्टेड टू पॉसिबल टू रिवर्सल स्ट्रेस इन टू ए कंप्रेशन। हाँ, अगर देखिए कंप्रेशन में होगा तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इसमें है क्या, ए नॉर्मली एक्टिंग टाई, ए टाई बीम हो, ए रूफ ट्रस हो या ए ब्रेसिंग सिस्टम है, नॉट कंसीडर, इनको कंसीडर नहीं करेंगे इफेक्टिव व्हेन जब सब्जेक्टेड टू पॉसिबल ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, जब स्ट्रेस का मान रिवर्सिबल हो, ठीक है, इन टू कंप्रेशन, कंप्रेशन के रिवर्सिबल हो गए तब कह लेंगे 350, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन मेंबर अदर देन प्री टेंशनिंग मेंबर के लिए, एक्सियल टेंशन मेंबर हो या प्री टेंशनिंग मेंबर हो तब क्या लेते हैं? 400, ठीक है। नेट सेक्शन एरिया ऑफ टेंशन मेंबर ठीक है ना, पूरा क्या है टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ, टेंशन मेंबर की टेंशन स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए नेट सेक्शन एरिया कैलकुलेट किया जाता है। नेट सेक्शन एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं आइए बता दें आगे, जिससे निम्नानुसार ज्ञात करते हैं। फॉर प्लेट के लिए यदि टेंशन मेंबर के रूप में प्लेट का यूज किया जाता है, तो अगर प्लेट का यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है ए नेट इक्वल टू बी माइनस एन डी ब्रैकेट में टी, ठीक है। और अगर ये तो चेन रिवेटिंग होगी, अगर जिगजैग रिवेटिंग हो तब तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। चेन रिवेटिंग की तुलना में जिगजैग या डायमंड रिवेटिंग में नेट सेक्शन एरिया ऑफ मेंबर इंक्रीज इतना इंक्रीज हो जाता है, इसलिए डायमंड रिवेटिंग की स्ट्रेंथ चेन रिवेटिंग की तुलना में ज्यादा होती है। समझ रहे, डायमंड रिवेटिंग की स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है स्ट्रेंथ रिवेट और चेन रिवेटिंग की तुलना में, ठीक। इफ अ सिंगल एंगल इज यूज टेंशन मेंबर, अगर एक सिंगल एंगल यूज किया गया हो किसके लिए, टेंशन मेंबर के लिए, तब क्या करेंगे देखते हैं। ये कोई मेंबर था, इस पे एक सिंगल एंगल
ऐड कर दिया गया। किस लिए? टेंशन के लिए। टोटल एरिया क्या आएगा? ए वन ए टू दोनों का एरिया इंटू के वन, ये निकाल लिया। यहाँ से ए नेट निकल आएगा। केस नंबर थ्री क्या है? अगर यदि एक सिंगल टी और डबल एंगल बैक टू बैक कनेक्टेड ऑन सेम साइड ऑफ द गजेट प्लेट एज ए टेंशन मेम्बर, ये कोई गजेट प्लेट है, ठीक, गजेट प्लेट में एक एंगल ये एक एंगल ले लेगा, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है, उसको इससे जोड़ा। अब बताइए नेट एरिया क्या होगा? ए नेट निकालेंगे, ए वन ए टू वन प्लस 0.20 इंटू ए टू अपॉन ए वन। ए नेट निकालने के लिए ये था फॉर्मूला नॉर्मल से। केस नंबर फोर है, यदि डबल एंगल और डबल टी आर कनेक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ गजेट प्लेट, गजेट प्लेट के दोनों तरफ, जे मान ये गजेट प्लेट थी, ठीक है, ये गजेट प्लेट है, टी लगे हैं दोनों तरफ, टी सेक्शन लगे हैं ना, बस। अब इसका नेट एरिया क्या करेंगे? ग्रॉस एरिया ऑफ मेंबर, मेंबर का पूरा एरिया माइनस डिडक्शन फॉर होल्स, फिर जो होल्स हैं इनको माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ का एरिया निकल आएगा नेट एरिया। अब डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर करेंगे। टेंशन मेंबर देखिए, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर डिजाइन करते समय किसी भी लोड के लिए रिक्वायर्ड नेट एरिया ज्ञात करना होता है, जो निम्न अनुसार ज्ञात करते हैं। ए नेट रिक्वायर्ड, एक्सियल फोर्स इन टेंशन अपॉन परमिसिबल टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस, द सेक्शन इज टेकन 20% टू 30% एक्स्ट्रा एरिया, सुटेबल सेक्शन इज ए नेट अवेलेबल, ए नेट रिक्वायर्ड ज्यादा होना चाहिए, ठीक। लग एंगल क्या है? किसी जॉइंट की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए, किसी जॉइंट, कोई जॉइंट था उसकी लंबाई को कम करने के लिए लगाया गया छोटा एंगल का टुकड़ा लग एंगल कहलाता है, ठीक है। अब टेंशन मेंबर में लग एंगल का यूज करने से गजेट प्लेट के मटेरियल में क्या होता है? लेंथ ऑफ जॉइंट के रिड्यूस होने के कारण सेविंग हो जाती है। जो देखिए ये था, इसमें छोटा सा ये लग एंगल ये दोनों तरफ लगा दिया और रिवेट से कस दिया उसको, ठीक है। ये क्या है? चैनल मेंबर था, चैनल मेंबर है ये, गजेट प्लेट पे लगाया किसके सहायता से? लग एंगल की सहायता से, इस पर भी रिवेटिंग है, इस पर भी रिवेटिंग है, ठीक है। तो ये रिड्यूस होने के कारण सेविंग हो जाती है, जबकि लग एंगल के रूप में एक्स्ट्रा मटेरियल लगाना होता है। लग एंगल के यूज करने से कुछ निश्चित एसेंट्रिसिटी डेवलप होने के कारण लोड बहुत इफेक्टिवली रिजिस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके लग एंगल का यूज करने से बचा जाना चाहिए, समझ रहे हैं? लग एंगल से यूज क्यों बचना चाहिए? अब इसमें क्या है, एसेंट्रिसिटी डेवलप होने के कारण लोड बहुत इफेक्टिवली रिजिस्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब लोड रिजिस्ट नहीं हो पाते, इसलिए लग एंगल नहीं यूज करना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। यदि फिर किसी कारणवश लग एंगल का यूज किया जा रहे हो तो इसे जॉइंट के प्रारंभिक पॉइंट पर ही लगाना चाहिए, ताकि रेवेट पर लोड एक समान रूप से वितरित हो सके। स्प्लाइस, अब स्प्लाइस अरेंजमेंट क्या है देखिए, जब किसी टेंशन मेंबर की अवेलेबल लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ से कम हो, जितनी उसे लेंथ चाहिए उससे कम हो, ठीक है, कम हो, तो लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो अरेंजमेंट किए जाते हैं स्प्लाइस कहलाते हैं। अब देखिए, मान लो जितनी लंबाई की चाहिए तो उतनी लंबाई है नहीं मेंबर की, तो उसको लंबाई को बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, जो हम ऐड करते हैं उसे ही कहते हैं स्प्लाइस, ठीक है। अरेंजमेंट्स करते समय स्प्लाइस की थिकनेस मेन मेंबर से अधिक होनी चाहिए, जो मेन मेंबर हो उससे अधिक होनी चाहिए। जब स्प्लाइस अरेंजमेंट किया जा रहा हो और मेंबर की थिकनेस अनइक्वल हो, तो इस कंडीशन में पैकिंग प्लेट्स का यूज किया जाता है। ये था, मान लीजिए इतनी जगह बच रही थी, यहाँ क्या पैकिंग प्लेट डाल दिया,
पैकिंग प्लेट यूज करते समय पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से कम हो तो कोई एडिशनल रिवेट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जैसे ही पैकिंग प्लेट की थिकनेस 6 mm से अधिक बढ़ती है तो प्रत्येक 2 mm थिकनेस के लिए 2.5% एडिशनल रिवेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, देख लीजिए, कुछ नहीं है। वन थिकनेस ऑफ मेन मेंबर इज सेम, सारी सेम है। पैकिंग प्लेट ये लगी, ये पैकिंग प्लेट है, मान लीजिए मेंबर हमारे पास इतना है और ये नहीं था, तो हम क्या करेंगे, पैकिंग प्लेट का यूज कर लेंगे। अनइक्वल थिकनेस ऑफ मेन मेंबर के अनइक्वल थिकनेस हो तब, इफ थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट लेस देन 6 mm से कम है, इक्वल टू नो एडिशनल रिवेट आर रिक्वायर्ड, कोई एडिशनल रिवेट नहीं लगेगी। अगर 6 mm से ज़्यादा हो तो एडिशनल रिवेट लगाई जाती है। ठीक है, जो भी पैकिंग प्लेट अनइक्वल थिकनेस ऑफ मेन मेंबर, इफ थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट मोर देन, वही है ऊपर जो मोर देन 6 mm हो तो क्या करते हैं, एडिशनल लिमिट आर रिक्वायर्ड फॉर ईच 2 mm थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट। ठीक है, ये टेंशन है खत्म हो गया, कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन मेंबर क्या है, कंप्रेशन मान ये कोई मतलब मेंबर है, इस पे इधर से भी लोड आ रहा है, इधर से भी लोड, और ये इधर से भी ढकेल रहा है, इधर से भी ढकेल रहा है, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन जनरेट होगा, तो इसे बोलेंगे कंप्रेशन मेंबर। और ये कंप्रेशन मेंबर क्या होता है, वो कंप्रेशन लोड को ही वहन करते हैं, जैसे कॉलम वगैरह पे आता है। ठीक है, अब देखिए, ए मेंबर इज ए स्ट्रक्चर विच कैरीज कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेसिव मेंबर, जो कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करता है वो होते हैं हमारे कंप्रेशन मेंबर। एग्जाम्पल ऑफ जैसे एंगल स्टर्ड ब्रेसिंग सिस्टम, सॉरी लेसिंग सिस्टम, बैटन सिस्टम, प्रिंसिपल राफ्टर, मेन राफ्टर, रूट ट्रस, बूम, क्रेन में होता है, ट्यूबुलर सेक्शन, स्टेशन सेक्शन, मैक्सिमम स्ट्रेनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर। अब कंप्रेशन मेंबर के लिए मैक्सिमम स्ट्रेनेस रेशियो देखिए, ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड, जो डेड लोड इम्पोजमेंट बैंड करते हैं उसके लिए होता है स्ट्रेनेस रेशियो 180। उसी तरीके से ये ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इज एनी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। इसके लिए क्या था, ये क्या है, इसमें मतलब ये है जो केवल हवा और वो अर्थक्वेक के फलस्वरूप आने वाले भार जो लोड आएंगे उनके द्वारा, विंड और अर्थक्वेक के द्वारा वही वहन करते हैं, वही सहन करते हैं, जिसके ऊपर से संरचना के किसी भाग में प्रतिबल पर प्रतिकूल परिणाम ना होता हो, मतलब कोई भी स्ट्रेस जनरेट ना होता हो उसके लिए। द स्ट्रेस एनी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी विंड अर्थक्वेक का कितना लेंगे, सिंपल सी एक चीज याद रखिए, जो केवल विंड मतलब हवा और अर्थक्वेक यानी भूकंप को बल को सहन करता है उसके लिए स्ट्रेस रेशियो कितना, एल स्ट्रेस रेशियो का मतलब क्या होता है, एल अपॉन आर 250, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम 300, इन केस ऑफ लेसिंग सिस्टम के केस में स्ट्रेस रेशियो लेते हैं 145। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेटिंग ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस, द डायरेक्ट स्ट्रेस इज कंप्रेशन ऑन द ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एक्सियल लोडेड कंप्रेशन मेंबर शैल नॉट एक्सीड 0.6 Fy। इंपॉर्टेंट याद रखिए, कंप्रेशन मेंबर में जो लोड आएगा वो इतना आएगा 0.6 Fy, नॉट द परमिसिबल स्ट्रेस कैलकुलेट यूज इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, वरना मर्चेंट रैंकिन फॉर्मूला से हम लोड पता कर लेंगे। ठीक है, Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, FCC क्या है, इससे एक फॉर्मूला बनता है, ये है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, लैम्डा स्ट्रेस रेशियो फॉर कंप्रेसिव मेंबर का, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं ये चीज कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर निकालना हो तो हमको क्या करना होता है। ठीक है, सिग्मा ए से निकालेंगे 0.6 Fy से निकालेंगे, वरना टेबल से निकाल लेते हैं, और वो सिग्मा ए सी इस फॉर्मूले से भी निकाला जाएगा। ठीक, और सिग्मा ए सी इससे भी निकालते हैं, सिग्मा ए सी इक्वल टू 0.6 Fy से भी, ये भी है, अगर एफ सी सी निकालना है ये पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एल वाई आर, यहाँ से निकाल लेंगे,
अब स्ट्रेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर क्या करेंगे, पी यू इक्वल टू ए सिग्मा ए सी इंटू ए ग्रॉस एरिया ए जी, सॉरी वो दिखानी है, मैं कंप्लीट कर देगा। चलिए दोबारा से कर देते हैं। 0.65 क्या है, सिग्मा ए सी इक्वल टू 0.65 एफ वाई से निकाल लेंगे, एफ वाई दिया हो ठीक है, अगर नहीं हो तो इससे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। वेयर एन इज एज्यूम फैक्टर कितना लेते हैं 1.4 ठीक है, एफ सी सी के लिए पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर और लेमडा इक्वल टू एल वाई आर, सारे फॉर्मूले आपके पास हैं आप निकाल सकते हैं अगर आपको वैल्यूज पता हो तो ठीक। स्ट्रेंथ निकालने के लिए पी यू इक्वल टू सिग्मा ए सी इंटू ए जी है ना। देखिए डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेस ग्रॉस एरिया ऑफ द मेंबर पर कैलकुलेट की जाती है, जो डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेस है किस पे की जाती है, ग्रॉस एरिया पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, जितने भी नोट इसमें आपको मिलते चलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं ठीक है। टेंशन मेंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो हो चुकी हैं, और कंप्रेशन मेंबर जो इंपॉर्टेंट है वो सारे में मैं टिक करता चलूँगा ठीक है, आप देखते रहिएगा। स्ट्रेस ऑफ द कंप्रेशन मेंबर फॉर्मूला पूछ लेगा, जैसे देखिए किसी भी कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो जैसे जैसे बड़ा बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉलम की एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस रिड्यूस होती जाती है। अब एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस रिड्यूस कैसे होगी आइए देखते हैं, होती चली जाती है जिसके कारण मेंबर की लोकल कैरिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होती चली जाती है। अब इस चीज को याद रखिए, देखिए लैम्डा था, लैम्डा है ना एफ सी सी है यहाँ लैम्डा, अब देखिए इसको अगर यहाँ रखेंगे इसको फिर यहाँ रखेंगे एन पावर है, लैम्डा ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, इस पे एन पावर है समझ, तो क्या होगा ऊपर वाला बच जाएगा। सिग्मा ए सी क्या है, स्ट्रेस, जब स्ट्रेस बढ़ेगा देखिए कॉलम की एक्सेल कंप्रेसिव स्ट्रेस जब कम होगी, जैसे मान लीजिए जिसके कारण मेंबर की लोकल कैपेसिटी, हाँ स्लेंडरनेस रेशियो जैसे जैसे बढ़ते बढ़ेगा एक्सेल कंप्रेसिव स्ट्रेस कम होगी। अब देखिए स्लेंडरनेस रेशियो नीचे होगा तो ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सिग्मा ए सी कम होगा, जैसे मान लीजिए सिग्मा ए सी इक्वल टू वन अपॉन लेमडा ये आता है, तो लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा सिग्मा ए सी वैसे वैसे कम होगा, अब लैम्डा कम होगा सिग्मा ए सी बढ़ेगा ठीक, यही पॉइंट है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कहीं भी या फिर याद रखिएगा कि क्या है, जब स्लेंडरनेस रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कॉलम का एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है कम होती चली जाएगी ठीक। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से आपको ये मान लीजिए एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ एंगल स्टर अलाउबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, तीनों चीजें हैं इसमें ठीक है। सिंगल एंगल है डिसकंटिन्यूअस है तो एंड कंडीशन जो है उसकी 1 rivet volt ऑन ईच साइड, दोनों साइड में 1 1 rivet लगी है। इफेक्टिव लेंथ एल सिग्मा ए सी 0.88 और स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम होगा 180 ठीक है। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है, एंगल स्ट्रट अलाउबल एक्सेस ये चीज नहीं है, इसके लिए हम आपको जो सिलेबस में वही कवर करें कि हम आपका टाइम वेस्ट करें फालतू, आप भी बाद में कहोगे सर आपने क्या क्या पढ़ा दिया कुछ कर ले नहीं पड़ा। देखिए अब एंड कंडीशन ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपका यदि एक कॉलम है जिसका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, दोनों एंड फिक्स्ड है ठीक है, और रोटेशन अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन में भी नहीं घूम सकते हैं मतलब ये घूम भी नहीं सकते हैं और ना ही ये इधर उधर जा सकते हैं, तो ये फिक्स्ड है, तो इसका जो बनेगा अब देखिए बनेगा कितना आएगा, इफेक्टिव लेंथ होगी 0.65 L। उसके लिए एक याद करने के लिए आपके लिए एक छोटा सा मैं तरीका बता देता हूँ यहाँ पे आइए देखिए ये चीज है ठीक है। अगर यहाँ से वो भी कोलेप्स करेगी या मुड़ेगी या बेंडिंग करेगी तो कैसे मुड़ेगी, अभी फिक्स है ठीक, थोड़ी सी जगह छोड़ेगा नीचे भी फिक्स है ये भी थोड़ी जगह छोड़ेगा, तो ये यहाँ से इफेक्टिव लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक की होगी तो कितनी होगी 0.65 L।
अगर एक हिंज होती, अगर यहाँ हिंज होता तो ये ऐसे मुड़ जाता, ऐसे मुड़ के ऐसे, लेकिन यहाँ तो हिंज नहीं है, यहाँ ऐसे ही रहता, दोनों तरफ हिंज होता तो दोनों तरफ हिंज होता तो ये ऐसे रहता। ठीक, ऐसे होता तो बराबर है, कहीं कोई नहीं चिपक रहा, अगर चिपकेगा तभी तो इफेक्टिव लेंथ कम होगी, नहीं होगी तो एल। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही कंडीशन है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोन है, दोनों तरफ हेल्ड है इन पोजिशन, दोनों तरफ फिक्स्ड है, बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन वन एंड, यानी एक एंड पे रोटेशन को रोका गया है, तो 0.8 है। इफ ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड, दोनों तरफ फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोन, दोनों तरफ कोई भी रोटेशन में रोक नहीं है, एल। इफ अ कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड डिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड एंड द अदर, देखिए क्या है, डिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन में भी डिस्टेंस एंड वन एंड, एक सिरा जो है एट द अदर एंड, डिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन में भी बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन, मतलब अपनी पोजिशन में भी नहीं है और रोटेशन में भी फ्री है, कितना होगा 1.12। अब इसमें क्या है, इफ अ कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, घूमने में भी रोक लगी एट वन एंड, जो उसका जिसका तो है एक सिरा फिक्स्ड है, ठीक है, और एक ये घूमने में भी इस पर रोक लगी है, रोटेशन नहीं कर सकता, एट वन एंड, एट अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड, ऊपर वाला जो है पार्शियली रिस्ट्रेंड है, मतलब आधा रुका हुआ है अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन, और अपनी पोजिशन में नहीं है, लेकिन पोजीशन में नहीं है, उन घूमने के लिए पार्शियली डिस्टेंड है, तो कितना होगा 1.2L। ये क्या है, वो पार्शियली था, ये फुली है, दो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 2L। इसका क्या है, इफ ए कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्टेंड, मतलब रोटेशन के प्रतिरोधित नहीं है, एंड एट अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजिशन, अपनी पोजिशन पे भी नहीं है, तब भी क्या होगा 12। ठीक, डिजाइन ऑफ लेसिंग ऑफ बैटन सिस्टम, कंप्रेसिंग मेंबर पर जब हैवी लोड आ रहे हो तो उसे कैरी करने के लिए लेसिंग और बैटन सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। अब डिजाइन कैसे करेंगे, डिजाइन ऑफ लेसिंग सिस्टम, चलिए निम्नलिखित कंडीशन में डिजाइन किया जाता है, पहली कंडीशन व्हेन द सेंट्रिक लोड ऑन कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर का मतलब कंप्रेशन मेंबर का सेंट्रिक लोड आ रहा हो, सेकंड जब कंप्रेसिंग मेंबर आर फार अपार्ट टू ईच अदर, जब कंप्रेसिंग मेंबर ज्यादा दूर पे दूरी पर हो, ठीक है, अपने दूसरे मेंबर के, तो लेसिंग सिस्टम में क्या करेंगे, पहले आर वाई वाई और आर एक्सेस निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या, उसके इफेक्टिव लेंथ का पता, सेल्वी इक्वल टू 1.05L, मतलब इफेक्टिव लेंथ और लेस्ट कॉलम, जो लेस्ट कॉलम होगा, मान लीजिए ये वाला लेस्ट कॉलम है, सेल्वी इंक्रीज 5% ऑफ द एंड कंडीशन ऑफ कॉलम, 5% इंक्रीज कर देंगे उसके एंड कंडीशन कॉलम के लिए। तीसरा क्या, एंगल इंक्रीज, देखिए ये हो रहा है लेसिंग सिस्टम, ये है अब डबल लेसिंग दोनों तरफ से, ये एक ही तरफ चल रहा है और डबल लेसिंग में दोनों तरफ से चलेगा। इसमें आपको याद करने के मतलब जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको क्या याद करना है वो ये है, आइए, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शैल बी टेकन 3 टाइम ऑफ द नॉमिनल डाई ऑफ बोल्ट, जो ये बोल्ट लगा रहे हैं हम लेसिंग के लिए, जो मतलब जो लेसिंग करते टाइम बोल्ट का यूज कर रहे हैं, उसका जो नॉमिनल डाया है उससे 3 गुना जब बड़ी होनी चाहिए, किसका, लेसिंग बार, ठीक, माना डाया ऑफ रिवेट जो है 16 mm है, तो लेसिंग बार की विड्थ 15 mm होनी चाहिए, यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। 18 mm रिवेट है तो 55 mm मिनिमम विड्थ होगी, 20 mm रिवेट है तो 60, 20 to 65। अब मिनिमम डाया ऑफ रिवेट फॉर लेसिंग सिस्टम, ये तो था मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग, अब मिनिमम डाया ऑफ रिवेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ कनेक्टेड मेंबर, जो कनेक्टेड मेंबर है उसकी थिकनेस कितनी, और मिनिमम डाया ऑफ रिवेट, जिससे हमें जैसे इस कॉलम की
थिकनेस कितनी होगी, ठीक है, अप टू और इंक्लूडिंग 10 mm, 10 mm या 10 mm से के कम, कितना हो, 16, ओवर 10 mm अप टू इंक्लूड 10 से 16 के बीच में 20, 16 mm से ज़्यादा हो तो 22 mm डाई की रिवेट हम यूज़ करेंगे। मिनिमम डाई ऑफ रिवेट नॉट लेस देन और 60, मतलब जो भी मिनिमम डाई ऑफ रिवेट लेंगे नॉट लेस देन टू 16 mm और नॉट मोर देन 20, मतलब 16 mm से कम नहीं होनी चाहिए, 22 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर लेसिंग करने के लिए कॉलम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार, अब लेसिंग बार की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, लेसिंग बार को फॉर सिंगल लेसिंग अगर करना है तो उसकी जो थिकनेस है एल इफेक्टिव अपॉन 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, डबल के लिए एल इफेक्टिव बाई 60। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत मोस्टली पूछ देंगे कि बताइए कि सिंगल लेसिंग में जो उसकी थिकनेस होगी लेसिंग बार की वो कितनी होगी, तो एल इफेक्टिव अपॉन 40 से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें एल इफेक्टिव अपॉन 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। सिक्स, कैलकुलेशन ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार, लेसिंग बार का स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब लेसिंग बार का स्लेंडरनेस रेशियो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हम पढ़ के आ चुके हैं 145 लेते हैं, ठीक, नहीं तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एल इफेक्टिव इंटू इससे ज़्यादा आ रही हो तो हम ये यूज़ करेंगे, कम होगी तो हम यूज़ करेंगे। यदि लेसिंग बार मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो में फेल हो रहा हो, मान लीजिए जो लेसिंग बार है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो में फेल हो रहा हो तो लेसिंग वायर की थिकनेस को बढ़ाकर इसे स्लेंडरनेस रेशियो में सेव किया जा सकता है, समझ रहे हैं। मान लीजिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो उसमें लेसिंग फेल हो रही हो तो क्या करेंगे, उसके लेसिंग वायर की जो भी लेसिंग वायर है उसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे, हाँ, इसके स्लेंडरनेस रेशियो में इसको सेव किया जा सकता है, ठीक है। कैसे सेव कर देंगे, लेसिंग वायर की थिकनेस बढ़ाकर, ओके। टाइप ऑफ लेसिंग, सिंगल लेसिंग रिवेट एट एंड, डबल लेसिंग एंड वेल्डेड लेसिंग, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल, डबल लेसिंग एल इफेक्टिव इक्वल टू 0.7 L और वेल्डेड लेसिंग में भी 0.7 L, ओके। अब मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार, स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे, एल अपॉन आर मिनिमम, यानी कि या तो 50 या 0.70 लेमडा, विच एवर जो दोनों में कम होगी उतना हम यूज़ करेंगे। लेसिंग ऑफ कंप्रेसिव मेंबर शुड बी डिजाइन टू रिजिस्ट ट्रांसवर शियर फोर्स, कंप्रेसिव मेंबर में लेसिंग किस लिए डिजाइन करते हैं, जिसके ऊपर ट्रांसवर शियर फोर्स है वो 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर, मेंबर का जो एक्सियल फोर्स है 2.5% डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब इधर उधर हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं लेसिंग बार डिजाइन ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड इन द मेंबर, समझ रहे हैं। ट्रांसवर्स फोर्स माना ये है और जो भी एक्सियल लोड आएगा ट्रांसवर्स फोर्स इक्वल टू 2.5% ज़्यादा होगा एक्सियल लोड का, तो वी इक्वल टू क्या कर लेंगे हम 2.5 P/100। और सिंगल लेसिंग सिस्टम कंप्रेसिव, अब लेसिंग वायर की ये डिज़ाइन है, ठीक है, इतना आगे तक आप नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, और थोड़ा सा याद रखिएगा बस कि सिंगल पोटेंशियल फोर्स है।